साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया में। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि बीज से ही बीमारियां आती हैं, बीज से ही रोग पैदा हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने कारण पे चर्चा की थी, अब की बार हम समाधान पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि दूसरी वीडियो की तरह हम टाइम पास करते रहें। हमारा काम है सीधा समाधान पर बात करना। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वो थी बीज उपचार कैसे करें। बीज उपचार बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से समझने योग्य भी है। तो एकदम आप अगर अच्छे समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी समझ अधूरी रह जाएगी, तो समस्या बनेगी। तो ज्यादा समय न लगाते हुए हम सीधी बात करें। ये हमारी मिट्टी है, यहां हमें बीज लगाना है और जो जितनी भी बीज आते हैं पैकिंग के उनके ऊपर लगा होता है केमिकल। तो केमिकल पे क्या होता है, एक होता है एफ से होता है फंगिसाइड और एक होता है आई इंसेक्टिसाइड। फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का लेप लगा होता है केमिकल का, जो कि तेज केमिकल होते हैं। अब हम देखते हैं ऐसा बीज जिसके ऊपर ये केमिकल लगे हैं दोनों, उनको हम मिट्टी में लगा देते हैं। अब जैसे ही हम यहां पे पानी देते हैं इसके ऊपर, मिट्टी में पानी दिया बीज को, तो ये सारा का सारा केमिकल चारों तरफ फैलता है। जहां तक ये पानी जाता है वहां तक ये केमिकल फैलता है। अब इसी मिट्टी में हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे को पोषण देने का काम करते हैं। वैसे तो रिकमेंडेशन और उस पे पैकेट पे लिखा होता है कि जो पौधे को खराब करने वाले, बीमारी लाने वाले जीवाणु हैं या कीड़े हैं, फंगस, वो मरेंगे उससे। लेकिन ये जो केमिकल लगा होता है ये मित्र जीवाणुओं को और मित्र फंगस को भी मारता है। तो जब इस एरिया में मित्र जीवाणु और मित्र फंगस भी मर जाएंगे तो कभी भी पौधे को जो पोषण मिलता है वो जीवाणु ही देते हैं, तो वो नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ट्रीटमेंट के लिए काम किया था वही हमारे लिए बीमारी है, वही हमारे लिए समस्या है। तो सीधी सी बात है, हमने समझा कि जो केमिकल लगा आता है बीज के ऊपर वो हमें परेशान करता है, वही रोग लेके आता है। तो समाधान क्या, तो उपचार कैसे। तो साथियों उपचार के हमारे पास चार बिंदु हैं, अगर हमने ये पूरी तरह फॉलो किए तो हमारी समस्या पूरी तरह चली जाएगी। पहला, बीजों की बीज की सफाई। साथियों हम बीजों को धोएंगे, दो तीन बार पूरे तरीके से रगड़ के साफ करेंगे ताकि उसका केमिकल उतर जाए और वो बीजों के साथ खेत में ना जाए। तो दो तीन बार उसको धोएंगे, जब तक उसका केमिकल लाल और नीला, हरा, पीला, कई तरह के केमिकल लगे आते हैं अलग अलग दवाई के अनुसार, वो हमें साफ करना है। एक लीटर पानी लीजिए, अपने बीजों को धोइए, फिर उसको हटा दीजिए, फिर दूसरा एक लीटर पानी लीजिए, ऐसे दो तीन बार करेंगे। दूसरा बिंदु है कि हम जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये कैसे करें। तो दुनिया में सबसे अच्छा जो फंगस को खत्म करने वाला जो प्रोडक्ट है, जो दवाई है, वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा से हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है जो पौधे को खाने वाले सभी तरीके की फंगस को खा जाता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए एक लीटर पानी और 15 मिलीलीटर ट्राइकोडर्मा, इसका घोल बनाएंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ी देर आधे घंटे तक इसको रखेंगे, उसके बाद अपने धुले हुए बीजों को इसमें डालना है, एक मिनट के बाद उसको बाहर रखना है और छाया में थोड़ा सुखा लेना है, वो हवा निकल जाएगी, उसके बाद आराम से हम अपनी मिट्टी में बीज लगा देंगे यहां पे।
अब ये जो बीज है इसके ऊपर लग गया ट्राइकोडर्मा, तो आसपास की फंगस उसको परेशान नहीं करेगी, लेकिन मिट्टी में तो बीमारियां हैं, उसका समाधान क्या करें? उसके समाधान के लिए तीसरा काम करना है हमें, बवेरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा जैविक दवा है जो मिट्टी के अंदर किसी भी कीड़े को खत्म कर देगा। जैसे दीमक है, जैसे सफेद लट है, मोटा सा एक आता है बिच्छू जैसा कटर उसको बोलते हैं कई लोग, वो मिट्टी को नीचे खोदता हुआ चलता है थोड़ा सा नीचे तक, ऐसे बहुत से जो मिट्टी के अंदर रहने वाले कीट हैं, कीड़े हैं और सुंडी है कोई इस टाइप के, वो सभी को बवेरिया बेसियाना खत्म करेगा। डंपिंग ऑफ का सबसे अच्छा इलाज ट्राइकोडर्मा प्लस बवेरिया बेसियाना है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। चौथा काम हम करते हैं, हमने फंगस से बचाव कर लिया, हमने कीड़े से बचाव कर लिया, अब जो इस एरिया में खाद भोज देना है अपने को, वो कौन से जीवाणु चाहिए? सबसे मुख्य जो जीवाणु है वो है नाइट्रोजन के, पोटास के, फास्फोरस के। तो यहां पे आप दीजिए एन पी के। नाइट्रोजन के लिए आप एजोटोबैक्टर दे सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए आप जो नाइट्रोजन के बैक्टीरिया हैं वो एजोटोबैक्टर के साथ में राइजोबियम दे सकते हैं अगर सब्जियां दलहन है तो। इस तरीके से पोटास के लिए KMB आता है, पोटास सोलुबलाइजिंग या पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, वो देंगे। और फास्फोरस के लिए PS भी आता है, और इनके अलावा NPK कंसोर्टिया कंसोर्टिया भी आता है। चार मुख्य बिंदु जो आपके बीज को पूरी तरह रोग मुक्त कर देंगे, पहली बार जो ये समस्याएं हैं लगभग खत्म हो जाएंगी, लेकिन डंपिंग ऑफ का पूरा पूरा समाधान इन चार बिंदुओं में है। तो साथियों, ये जो सबसे मुख्य काम है बीज उपचार, यहीं से आपकी खेती की समस्या शुरू होती है और यहीं से आपकी खेती की समाधान शुरू होती है। तो आप लगातार बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा साथियों को, किसान साथियों को फायदा हो, और ये किसी भी फसल के बीजों को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे कारगर है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट आपको चाहिए, ट्राइकोडर्मा, बवेरिया, NPK और सुडोमोनास, मार्केट से, बाजार से काफी अच्छे भाव पर, अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिलेंगे। आप नंबर दिया है नीचे, उस पर फोन करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया, उस पर फोन करिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरीके की समस्या और समाधान पे वीडियो हम ज्यादा से ज्यादा आपको दे सकें। आप सबका बहुत बहुत आभार।